नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में जिले में राप्ती नदी का बाढ़ का तांडव लगातार जारी है। जिले के एक तिहाई क्षेत्र में राप्ती नदी ने कहर ढाया है। डीएम और एसएसपी सुबह से निरंतर बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं। भिनगा तहसील अंतर्गत आसाराम नगर क्षेत्र का डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया, गाँव में घूमकर बाढ़ पीड़ितों से उनके हालचाल जाने हैं। राहत और बचाव काम लगातार किया जा रहा है। यूपी के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से भारत को तोड़ा है, पहले वो कांग्रेस को जोड़ने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को जोड़ने का काम किया। जनपद भ्रमण पर आए गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि यूपी में पहले गन्ना पर दलाली होती थी, योगी सरकार ने अब गन्ने पर दलालों की दलाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार 90% से ऊपर गन्ना किसानों को भुगतान कर चुकी है और जहां कुछ जगह रह गया है तो उस पर भी हम लोग कड़ाई कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि नया सत्र शुरू होने से पहले पहले हम लोग अधिकतम भुगतान कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए अनेकों अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेज में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं सीओ साइबर सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जागरूकता अभियान से साइबर फ्रॉड काफी कम हुआ है। रुड़की की पिरान कलियर में 754 आउट्स तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज शुक्रवार के दिन हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे तथा एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पिरान कलियर पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था साफ सफाई के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कंट्रोल रूम हज हाउस का भी निरीक्षण किया। उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन में गंभीर रूप से घायल हुए पर्वतारोही रोहित भट्ट के एम्स अस्पताल में महापौर नीता ममगई ने पूछताछ की है, हालचाल जाना है। उन्होंने हादसे में घायल रोहित को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तत्काल एयरलिफ्ट कराकर उपचार के लिए भर्ती करने की सराहना की है और साथ ही साथ ये कहा है कि समय पर उन्हें लगातार उपचार मिलता रहेगा। परमार्थ निकेतन में 8 से 9 अक्टूबर को माता ललिता देवी शिवाश्रम ट्रस्ट की ओर से नारी संसद कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 4 सत्र आयोजित होंगे। पहले सत्र में परिवार की संरचना और कार्य संचालन, दूसरे में भारतीय नारी के लिए क्या करना ठीक रहेगा और उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं से संबंधित विचार विमर्श होंगे। इसी प्रकार से अन्य 2 सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। गौना पुलिस ने लूट के इंटरस्टेट गैंग का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। लूट के इरादे से गोरखपुर से लखनऊ के लिए कार बुकिंग कराई थी, रास्ते में घटना को अंजाम देना चाहते थे। रेलवे स्टेशन परिसर ने कोतवाली पुलिस से बरामद किया है और मोबाइल फोन खून के छींटे मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी थी। गाड़ी बुकिंग के बाद गाड़ी लूटने की प्लानिंग की हुई थी। ड्राइवर की हत्या कर नवाबगंज तालाब में शव फेंक दिया था। 2 दिन पहले से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा सर्विलांस सेल के मदद से 2 अभियुक्त गण है, एक कमलजीत सिंह है और दूसरा टोनी शेरगिल उर्फ श्रवण सिंह है, ये ऊधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो पूरा प्रकरण इस प्रकार से है कि जो 26 सितंबर को गोरखपुर से 3 लोगों ने एक एटियोस कार बुक करी थी लखनऊ के लिए, रास्ते में ड्राइवर को मार दिया था। मारने के बाद गाड़ी लूटने का इनका योजना थी। ये ड्राइवर के पास कोई पैसा नहीं मिला और गाड़ी में कोई ज़्यादा डीजल नहीं था, तो रास्ते में एक नाले में नवाबगंज के पास उसकी डेड बॉडी फेंक करके रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ा करके ट्रेन पकड़ के चले गए थे। हरदोई में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी की पुरानी मारपीट के मामले में दबंग मुकदमा वापस लेने का पीड़ित युवक पर दबाव बना रहे थे। युवक ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने फिर से युवक की पिटाई कर दी। मारपीट के इस मामले में पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। थाना पैदौरा का मामला है जिसमें एक महिला है नीतू देवी वाई का परविंदर सिंह निवासी नौगवा मजरा भाप और सपहा थाना पैदौरा, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके भतीजे राजीव को बंटवारे को लेकर इनके परिवारी विशेश्वर सिंह ने मारपीट की है। पुलिस को इसे सूचना मिली, उचित धाराओं में अभियोग पंजीत किया गया है, विवेचना चल रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयास में जुटी है। संचारी रोग माह में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं का लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में बड़ा योगदान होता है। ऐसे में समय पर उनके प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने से कार्यकर्ताओं में रोष नजर आ रहा है, लगातार वो प्रदर्शन कर रही है।
देखिए ये बिल्कुल गलत है। कल भी आशा कार्यकर्ती हमारे पास आई थी, मैंने उन लोगों से कहा था कि सब लोग अपनी पासबुक लेकर के आएं। आशा कार्यकर्ताओं का पहले वेतन ब्लॉक से मिला करता था और इधर 3 माह से इन लोगों का वेतन मुख्यालय से दिया जा रहा है और हम लोगों ने इनका जो है सितंबर माह का इनका वेतन भुगतान दे है। लखीमपुर खीरी में सांप और नेवले की लड़ाई ने ग्रामीणों का रास्ता रोक लिया। लड़ते लड़ते आखिर सांप ने अपनी जिंदगी से हार मान ली। मामला लखीमपुर खीरी का, जहां पर सांप और नेवले की मुठभेड़ देखने के मिली है और इन्हें देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने ही विभाग के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर दिया है। पार्क के सभी 10 रेंजों में आउटसोर्स कर्मियों का कार्य बहिष्कार रहा। आउटसोर्स कर्मियों ने बताया कि उनकी मांगे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार रहेगा। पार्क के मोतीचूर, गोहरी, चिला, रसवान, दौलखान, चिल्लावली, रामगढ़, कसारो, हरिद्वार और बोरीवार रेंज में आउटसोर्स कर्मियों ने एंट्री गेट पर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया, कार्य बहिष्कार रखा। संभल में महिला पर एसिड अटैक मामले में नया मोड़ आया है। एसपी ने एसिड अटैक के आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि महिला तेजाब से नहीं बल्कि बिजलीकरण से झुलसी है। वहीं 3 लोगों को इस मामले में पूछताछ को लेकर डिटेन किया गया है। चौड़ा कम्बो के अंतर्गत ग्राम मड़ावली रसूलपुर में कल एक महिला के द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके ऊपर गाँव के ही 3 व्यक्तियों के द्वारा एसिड फेंका गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया, महिला को इलाज के लिए भेजा गया तथा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जो 3 व्यक्ति नामजद थे उन 3 लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन करके विस्तृत पूछताछ की जा रही है। संभल में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। करीब 2 महीने से पहले 50,000 की लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। के पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। थाना मुन्नौर की पुलिस के द्वारा आज 25,000 रुपए के इनामी एक व्यक्ति वीरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह 15 दिन पहले हुई 50,000 रुपए की लूट तथा एक मोबाइल लूट में यह व्यक्ति शामिल रहा था। इसको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।